आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाई और बहनों, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तदार के नशे में, गुरूर में डूब कर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नोट किया, हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ आवाज उठाई, दुनिया ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, एहतजाज सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ जलसों में सुनकर, नारे लगाकर, आंख में आंसू लाकर अपने घर को चले जाओगे और फिर उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला